हेलो दोस्तों, खेल एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीएल के मैच नंबर 59 के बारे में, जो कि खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, मैच एनालिसिस एंड एडवांस प्रिडिक्शन के बारे में। अगर आपको विनर प्रिडिक्शन चाहिए या सेशन से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैच प्रीव्यू की बात करते हैं तो अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें तो गुजरात टाइटन जो है पॉइंट टेबल पर नंबर 10 पर है। टोटल मैच खेले हैं 11, जहां पर 4 मैच जीते हैं और 7 मैच हारे हैं। सीएसके जो है नंबर 4 पर है। सीएसके ने खेले हैं 11 मैचेस, जहां पर 6 मैच जीते हैं और 5 मैचेस लूज किए हैं। तो इस मैच में कौन जीतेगा? क्या सीएसके जो है वो जीटी को हरा देगा या फिर जीटी जो है वो सीएसके को हरा देगी? इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो में मिल जाएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं गुजरात टाइटन के प्लेइंग 11 से। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे रिद्धिमान साहा एंड शुभमन गिल। उसके बाद आते हैं साई सुदर्शन, डेविड मिलर, राहुल तेवटिया, विजय शंकर, नूर अहमद, राशिद खान, उमेश यादव, मोहित शर्मा एंड जोशुआ लिटल। अगर हम यहाँ से टॉप पिक्स की बात करें, शुभमन गिल जो है लास्ट के 2-3 मैचों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल जो है इस मैच में 30 से 40 रन आपको बनाकर जरूर देंगे। साई सुदर्शन जो है बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट प्लेयर हैं ये। साई सुदर्शन जो है हर मैच में आपको 30 से 40 रन का एवरेज स्कोर जो है को बनाकर देते हैं, आपको इनको जरूर पिक करना है। अगर जीटी पहले बल्लेबाजी करती है तो डेविड मिलर भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहने वाले हैं। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो नूर अहमद एंड राशिद खान की जोड़ी जो है कमाल कर रही है। राशिद खान अभी उतने अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं। इसी के साथ साथ जोशुआ लिटल जो हैं लास्ट के एक मैच में खेले थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। आई थिंक इन्होंने 3 से 4 विकेटें निकाली थी, तो आपको जोशुआ लिटल को जरूर पिक करना है। इसी के साथ साथ मोहित शर्मा ने लास्ट के कुछ मैचों में ज़्यादा रन खाए हैं, हो सकता है इस मैच में मोहित शर्मा जो हैं वो विकेट ले जाएँ। प्रीवियस मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो गुजरात टाइटंस ने खेला था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ, जहां गुजरात टाइटन ने 147 रन का स्कोर बना दिया था। शाहरुख खान इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे एंड 24 बॉल में 37 रन का स्कोर बनाया था। राहुल तेवटिया ने 35 एंड डेविड मिलर ने 30 रन का स्कोर जो है बनाया था। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, जोशुआ लिटल ने 4 विकेटें यहां पर निकाल ली थी, नूर अहमद ने 2 विकेटें निकाली थी, राशिद खान ने केवल 2 ही ओवर फेंके थे और 2 ओवर में 25 रन खा लिए थे। तो राशिद खान उतनी अच्छी फॉर्म में आपको नजर नहीं आए हैं, लेकिन आप इनको पिक कर सकते हो, एक बड़ा प्लेयर है। चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओपनिंग करने आते हैं कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, उनके साथ आते हैं रचिन रविंद्रा, उसके बाद आते हैं अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, डेरी मिचेल, एमएस धोनी, मोइन अली, दीपक चहर, तुषार देशपांडे एंड मथीश दीक्षणा। देखो दोस्तों, मुस्तफिजुर रहमान भी इस टीम का हिस्सा है और वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आएंगे। हो सकता है मथीश दीक्षणा जो है इस मैच को ना खेलें और मथीश पथिराना यहाँ पर टीम में आ जाएं। अगर हम यहाँ से टॉप पिक्स की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ हर मैच में आपको 30 से 40 रन बनाकर जरूर देंगे। बहुत ही अच्छा एवरेज है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन ये कर रहे हैं, इनको आपको जरूर पिक करना है और ये कैप्टनसी के लिए भी एक हकदार होंगे। शिवम दुबे बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, अगर चेजिंग कर रही है सीएसके तो आपको इनको जरूर पिक करना है। रविंद्र जडेजा आपको ऑलराउंड प्रदर्शन करके दे सकते हैं, इसी के साथ साथ डेरी मिचेल भी आपको ऑलराउंड प्रदर्शन करके देंगे। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको मुस्तफिजुर रहमान एंड मथीश पथिराना, इन दोनों को जरूर पिक करना है। अगर आप चाहो तो आप तुषार देशपांडे के साथ भी जा सकते हो। प्रीवियस मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग ने खेला था पंजाब किंग्स के खिलाफ, जहां चेन्नई सुपर किंग ने 167 रन का स्कोर बनाया था। रविंद्र जडेजा ने यहां पर 43, ऋतुराज गायकवाड़ ने 32 एंड डेरी मिचेल ने 30 रन बनाए थे। यहां पर जो है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अर्ली फॉल ऑफ विकेट आपको देखने के लिए मिला था और राहुल चहर यानी कि एक स्पिनर ने 3 विकेट निकाली थी। इसी के साथ साथ हर्षल पटेल और हर्षदीप ने भी विकेट निकाली थी। अगर हम चेन्नई की बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट निकाल ली थी। सिमरजीत सिंह जो है लास्ट मैच में खेले थे, जिन्होंने 3 ओवर में केवल 16 रन दिए थे और 2 विकेट निकाल ली थी। एंड तुषार देशपांडे ने भी 2 विकेट निकाल ली थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो गुजरात टाइटंस और सीएसके के बीच टोटल मैच खेले गए हैं 6 और दोनों टीमें जो है 3-3 मैच जीत चुकी हैं। सीएसके का लेकिन आपको यहाँ पर एक अपर हैंड लग रहा है, वो पॉइंट टेबल में भी ऊपर है, उनका टीम कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है, उनका बैटिंग एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू गुजरात टाइटंस, तो सीएसके इस मैच को आसानी से जीत सकती है। बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में तो ये होम ग्राउंड रहने वाला है गुजरात टाइटंस का, नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम यहाँ पर मैच खेला जाएगा। बैटिंग फ्रेंडली पिच आपको देखने के लिए मिलेगी, स्लाइटली जो है पेसर्स को फेवर करेगी, यहाँ पर स्पिनर को ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। लार्ज बाउंड्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो 164 रन का रहने वाला है, यानी कि एक एवरेज स्कोरिंग मैच भी हो सकता है, लेकिन हमारी एनालिसिस के अनुसार एक्सपेक्टेड स्कोर जो है वो 180 प्लस रन का रहने वाला है। एक हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों टीमों के बीच में हुए प्रीवियस मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो जब ये दोनों टीमें आमने सामने थी तो चेन्नई सुपर किंग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 206 रन का स्कोर बना दिया था। शिवम दुबे ने 23 बॉल्स में 51 रन का स्कोर बनाया था। रचिन रविंद्र ने 46 एंड ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 46 रन का स्कोर जो बना दिया था।
राशिद खान ने दो विकेटें निकाली थी, रवि शाही किशोर ने एंड स्पेंसर जॉनसन ने एक एक विकेट निकाल ली थी और ये दोनों ही प्लेयर अब नहीं खेल रहे हैं और राशिद खान भी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। गुजरात टाइटन के लिए साई सुदर्शन ने 37, डेविड मिलर ने 21 एंड रिद्धिमान साहा ने भी 21 रन का स्कोर बनाया था एंड तुषार देशपांडे, दीपक चहर एंड मुस्तफिजुर रहमान इन तीनों ने जो है दो दो विकेट निकाल ली थी और ये तीनों प्लेयर आपके लिए टॉप पिक्स में रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में। आपको एक हाई स्कोरिंग मैच देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 180-200 रन का स्कोर जो है बन सकता है। 80% सेशन में आपको यस देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको फुल सेशन प्रेडिक्शन चाहिए या फिर विनर से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में।